हमारे चैनल 94 न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक बरवक्त पहुंचे। 94 न्यूज, हम बनेंगे आप। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 94 न्यूज़ के साथ मैं हूँ आयद फातमा। आज हम मौजूद हैं रेस कोर्स पार्क में, जहाँ पे बसंत मेला है जो कि बहार की आमद आमद है, और लोग यहाँ पे किस तरह इंजॉय करने आए हुए हैं। आए चलते हैं, हम लोगों से बात करते हैं और उन्हीं से ही पूछते हैं वो यहाँ पे किस तरह इंजॉय कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं और यहाँ पे माशाल्लाह बहुत रश लगा हुआ है, और आए हम उन्हीं से ही पूछते हैं कि वो यहाँ पे किस तरह इंजॉय कर रहे हैं। कोरोना के बाद व्यूअर्स, कोरोना के बाद काफ़ी अरसे के बाद ये जो मेले अब स्टार्ट हुए हैं, लोग यहाँ पे इंजॉय करने के लिए आए हैं, वो जो पहले फीलिंग्स थी, मतलब कोरोना में लोग इंजॉय नहीं करते थे और इस तरह के मेले जो हैं हमने पिछले साल मतलब उसको इस तरह इंजॉय नहीं किया था, और इस दफ़ा इस साल अल्लाह का शुक्र है कि वो चीज़ थोड़ी सी कम हुई है। और हम यहीं पे लोगों से ही पूछते हैं कि किस तरह लोग यहाँ पे इंजॉय कर रहे हैं, तो आए चलें लोगों से बात करते हैं। व्यूअर्स, हम इन्हीं से पूछते हैं कि अगर लड़कियां मेकअप ना करें तो क्या वो लड़कों को, सॉरी कहना तो नहीं चाहिए, क्या वो लड़कों को अच्छी लगेंगी या नहीं लगेंगी? तो आप बताएं कि अगर लड़कियां मेकअप ना करें तो अच्छी लगेंगी कि नहीं? जो ब्यूटी है ना वो लाइक नेचुरल होती है, आप उसको अगर मेकअप कर करके लाइक मेरा ख्याल है कि आप अपनी ब्यूटी स्पॉइल कर रहे हैं मेकअप करके। अगर आप लाइक छोटा मोटा टचअप ओके होता है, लेकिन वो शादियों वाला मेकअप थोप के यही होता है आजकल। अच्छा, आप बताएं। हाँ जी बिल्कुल, ऐसी ही बात है कि इंसान के जब फीचर्स प्यारे हो ना तो दिल की ब्यूटी देखनी चाहिए, शक्ल से कुछ नहीं होता। बंदा हल्का सा टचअप देख ले कि बाहर कहीं जाना है तो पता लगे कि बाहर निकले हैं, वैसे ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे अक्सर देखा, वो इतना उन्होंने मेकअप किया जैसे पता नहीं किसी वलीमे पे आए हुए हैं, लेकिन नॉर्मल रहना चाहिए, अच्छे लगते हैं वैसे। व्यूअर्स, इन्होंने लड़कियों के बारे में जो कमेंट्स दिए ना, ये वो लड़के हैं जो घर में ये कहते हैं कि नहीं आप मेकअप के बगैर अच्छी लग रही हैं, लेकिन असल में ये खुद मेकअप ला के दे रहे होते हैं। तो बहुत शुक्रिया, आज हमने मतलब आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। हम वही क्वेश्चन करेंगे कि अगर पाकिस्तान से मेकअप खत्म हो जाए तो बंदे मतलब औरतें अच्छी लगेंगी या मतलब ऐसे ही कि भी चल ठीक है? नहीं, मुश्किल हो जाएगा, काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, मतलब बंदे डर जाएंगे। तो ये बंदे क्या करेंगे, मतलब डर जाएंगे? इनसे यही क्वेश्चन है। ऐसे ही है कि बंदा परेशान हो जाएगा कि भाई ये क्या हो गया। तो आप लोग नजर वाले चश्मे लगा लेंगे? ऐसे ही है, कुछ करना कुछ मतलब आपको अच्छा नहीं लगेगा? बिल्कुल इसी तरह। अच्छा, तो मतलब आप क्या चाहते हैं कि औरत मेकअप करे, फैक्ट्री बने पूरी, मतलब नहीं लाइट मेकअप होना चाहिए? मतलब अपने जो फीचर्स हैं वो इनहेंस करने। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। चले व्यूअर्स, इनसे बात करके हमें बड़ा मजा आया और इन्होंने बताया कि मेकअप होना चाहिए। थैंक यू सर। ओके जी, अल्लाह। आपका नाम क्या है? सजाद। अच्छा सजाद, आप यहाँ पे क्या करने आए, एंजॉय करने आए? एंजॉय करने आया था, पिछली दफ़ा हम आए थे लेकिन कोरोना की वजह से बस हालात ऐसे ख़राब हो गए कि उसके बाद फिर मज़ा ही नहीं आया। अब फिर कोरोना ख़त्म हुआ है तो फिर दोबारा आए हैं, अब फिर इंशाल्लाह बड़ा मज़ा आ रहा है। अच्छा वैसे पिछले साल क्या था और इस साल क्या आपको फ़ील हो रहा है यहाँ पे आके? पिछले साल ज़्यादा था लेकिन अब कोरोना की वजह से ना लोग बहुत कम हो गए। पिछली बार इब्रारुल हक सिंगर आए थे तो उन्होंने बड़ा यानी परफॉर्म किया था, बड़ा मज़ा आया था। अभी भी है, अभी स्टार्टिंग है, देखें लोग आस्ता आस्ता आएंगे तो बड़ा मज़ा आ रहा है वैसे। तो आप हर साल आते हो यहाँ पे? जी इंशाल्लाह। आप लाहौर से मतलब? नहीं, बेसिकली आज़ाद कश्मीर से, वैसे लाहौर में ही रहता हूँ तो इधर अक्सर ही आते रहते हैं वैसे। अच्छा माशाल्लाह। तो वैसे नहीं, आप अकेले आए हो फैमिली के साथ? नहीं, मेरी वालदा आई है, मेरी भतीजी आई है। तो अच्छा एक क्वेश्चन इनसे पूछ लेते हैं, एक क्वेश्चन है कि अगर पाकिस्तान से मतलब मेकअप की फैक्ट्रियां बंद हो जाएं, चाइना हमें मेकअप देना ही बंद कर दे, तो आप क्या मतलब लेडीज़ को मेकअप करना चाहिए या करें, या वो मेकअप के बगैर रह लें और आप लोग कहो जी चलो ठीक है? नहीं, इस क्वेश्चन का जो है ना वो आंसर नहीं, लेडीज़ मेकअप में ही अच्छी लगती हैं वैसे तो फिर। ये वही क्वेश्चन है, ये वो बंदा है जो ये कह रहा है कि मेकअप के बगैर औरत नहीं अच्छी लगेगी। नहीं, ये नहीं कह रहा, अच्छी लगती है लेकिन बनना सवना भी चाहिए ना, तो उसके लिए भी पैसे जरूरी है। नहीं, वो मेकअप की फैक्ट्री होनी चाहिए कि मेकअप बस लाइट? नहीं, लाइट सा होना चाहिए बंदे को, चलो अच्छा नजर आए, ये नहीं कि पूरा वो ब्लैक को फिर बिल्कुल ही वाइट कर दे। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया आपसे बात करके।
माशाल्लाह, हमारे साथ एक प्रिंसिपल हैं जो कि इधर रेस कोर्स पार्क में आए हुए हैं। तो सर आप खुद ही अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दें हमें। मैं एक अदारे गवर्नमेंट के अदारे से हूँ और चूंकि हमारे एक बड़ा लबेरियस जॉब होता है सारा दिन, और चूंकि तालीम और तरबियत के साथ हमारा तल्लक है, तो ये था यहाँ पे प्रोग्राम था जिलानी पार्क में, जो हमारी रहतल जो है या हमारा कल्चर जो है उससे रिलेटेड है, तो उसके लिए वक्त निकाला मैंने और यहाँ पे हाज़िर हूँ। अच्छा माशाल्लाह, तो सर आप मतलब कौन से अदारे में होते हैं, थोड़ा सा अपना बताएंगे? मेरा अदारा इस्लाह माशरा हाई स्कूल है शादबाग में। अच्छा शादबाग में आपका स्कूल है, तो सर आपने स्कूल के बारे में भी बताएं कि स्कूल आपका मतलब कौन सी क्लासेस स्टार्ट हो रहे हैं? वो प्रेप से लेके 10वीं तक है और अल्हम्दुलिल्लाह 4000 के करीब बच्चे हैं वहाँ पे। माशाल्लाह। और हमारा पिछले साल जो है वो सेकंड था बोर्ड में, रिजल्ट भी बेहतरीन है माशाल्लाह, और तरबियत का हम ख्याल क्या रखते हैं। सर आप अपने अदारे का नाम बताएं, क्योंकि हम अपने व्यूअर्स को भी बताएं कि ये अदारा है। जी वालेकुम सलाम। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम बखर से। जी बखर से आए हैं, पहले तो आप लोग अपना नाम बताएंगे। जी मेरा नाम समर अब्बास है और ये मेरे अब्बा हैं, इनका नाम अल्ताफ हुसैन है। आप लोग पश्तो बोलते हो, क्या बोलते हो वहाँ पे, कौन सी जुबान की बोलते हैं? सराइकी बोलते हो। मुझे सराइकी में कोई ऐसा जो है वो जुमला बताएं या कोई ऐसा सॉन्ग सुनाएं जो हमारे व्यूवर्स इंजॉय करें। सॉन्ग मुझे इस वक्त तो याद ही नहीं है सर। अब्बा है साथ, व्यूवर्स इनके अब्बा साथ है, ना इनका सॉन्ग निकल रहा है ना इनका शेर निकल रहा है। चले अपने अब्बा जी की तारीफ कर। मेरे अब्बा जी दुनिया के सबसे बेस्ट अब्बा जी हैं, और ये जो है ना मैं लाहौर में इनको घुमाने ले आया, मैं तो वैसे 10 साल से इधर लाहौर में ही हूँ, ये जो है ना 45 साल बाद आए हैं लाहौर, और ये अब जब मुझे ऑफिस की तरफ से घर मिला है तब इन्होंने कहा जी अब मैं आपको चक्कर लगाऊंगा, पहले मैं इनको 10 साल से कह रहा था, इन्होंने कहा नहीं मैंने नहीं चक्कर लगाना। माशाल्लाह ये इतना अच्छा बेटा है जिन्होंने जिसने अपने बाप को घर बना के दिखाया और वो इतने सालों के बाद इधर लाहौर आए हैं। आप बताएं आप भी अपने बेटे की कोई तारीफ कर दें, और तो बड़ा शर्मा ठीक है। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह हर कहीं कोई जाए बेटे देवे। आप मैरिड हो या अनमैरिड? जी मैं मैरिड हूँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरा एक बेटा है। माशाल्लाह, तो आप हमें कोई मैसेज देना चाहेंगे अपनी सराइकी में, कोई मैसेज दे दें? चले हाँ ज़रूर सराइकी में। अच्छा मैं सराइकी ये मैसेज दे सा कि जो वालदैन इन्हों की दुआ के बगैर इंसान कुछ भी नहीं हो सकता, कै स्टेज तक लगा मुझे जितने तक इन्होंने सपोर्ट ना हो इंसान कुछ भी नहीं हो सकता। मैं दे अब्बा थोड़े सामने इन्होंने एग्जाम्पल एक जरना जो बंदन डेली वेजेस वाले मजदूर वो हैं, और अलहमदुल्ला मैं इन्होंने सह कुर्बानियों की वजह उठा जिस स्टेज पर हाँ इन्हों की मेहनत। आप लोग यहाँ पे इंजॉय करने आए हो, क्या करने आए? यहाँ पे इंजॉय करने आए। पहले तो आप लोग अपना नाम बताओ। मेरा नाम वर्दा है। और मेरा नाम इमाम है। आप लोग कहाँ रहते हो? लाहौर में? नहीं हम कराची से आए। अच्छा व्यूअर्स ये लोग कराची से आए हैं यहाँ पे ये फेस्टिवल देखने के लिए आए हैं, तो क्या मतलब लाहौर के लोग कैसे लगे आप लोग? अच्छे लगे के लोग बहुत अच्छे हैं। बहुत अच्छे लोग हैं लाहौर के? बहुत अच्छे हैं, हमें तो पता ही नहीं था लाहौर के बंदे इतने अच्छे हैं। अच्छा तो मतलब आप क्या करते हो, क्या एक्टिविटीज हैं? स्टडी। मैं भी स्टडी करती हूँ। अच्छा वैसे लाहौर आके मतलब कराची में तो सुना है कि वहाँ पे मतलब और माहौल है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, तो क्या फील हो रहा है वहाँ पे, कैसा माहौल है यहाँ पे, कैसा माहौल? नहीं हमें ना यहाँ पे बिल्कुल कराची जैसा ही माहौल हो रहा है, बिल्कुल सेम टू सेम, ऐसा लग रहा है हम अपने कराची में ही आ गए। अच्छा तो कितने अरसे के लिए आए हो आप लोग यहाँ पे? बस कल जा रहे हैं। अच्छा किसके साथ आए हो, किसके घर आए हो? मतलब ये मेरे बाबा के फ्रेंड के घर आए, उनके घर। अच्छा आप लोग उन स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहोगे जो मतलब अब जिनकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस स्टार्ट हुए हैं, तो उन लोगों को कोई मैसेज देना चाहोगे? यही मैसेज है कि इतने टाइम से स्टडी अच्छी नहीं चल रही थी, तो अब दिल लगा के पढ़े। हाँ और बिल्कुल मतलब इस पढ़ाई से ही हम अपनी ज़िंदगी संवार सकते हैं, तो बस इसी को कंटिन्यू रखें और मेहनत करें। कोरोना में घर में रह रहे के आप लोगों ने क्या मतलब एक्टिविटीज़ थी आपकी तब? हम लोग सब कजन्स मिलके खेलते थे, घूमने फिरने जाते थे, बस बहुत ज्यादा एंजॉयमेंट ही करा कोरोना में। तो अच्छा आप दोनों सिस्टर्स हो या फ्रेंड्स हो, कजन्स हो? कौन कजन्स है? अच्छा कजन्स है। व्यूअर्स इतना है कि इकट्ठे ही बोल रही हैं और इकट्ठे ही सारे आंसर दे रही हैं, मतलब मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं किसी दो बंदों से बात कर रही हूं, लग रहा है किसी कर रहे। अच्छा तो आप लोग क्या करती हैं, आप क्या करती हैं? स्टडी। यूनिवर्सिटी? मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर। अच्छा व्यूअर्स ये लग नहीं रही दोनों, ये ना ये यूनिवर्सिटी की लग रही है बच्ची, ये लग रहा है 7th 8th में मैट्रिक में, चलो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, और ये भी कुछ इस तरह ही कॉलेज वाली नहीं लग रही मुझे, ये तो वैसे स्कूल की। तो मतलब ये ऐसे लोग होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो अपनी एज से बहुत कम लगते हैं, मानते हो तुम दोनों? हाँ हाँ जी बिल्कुल, मुझे तो कोई मानते ही नहीं यूनिवर्सिटी में आ रही। हाँ मुझे भी नहीं मानते, कहते हैं हम दोनों तो बहने लगती हैं एक उम्र की छोटी। हाँ अपनी एज से आप माशाल्लाह काफ़ी कम लगते हो। तो बहुत शुक्रिया आप लोगों से बात करके, बहुत हमें मज़ा आया, तो थैंक यू सो मच।
व्यूअर्स, हम लोग इस वक्त रेस कोर्स पार्क में हैं और यहाँ पे एक बहुत ही प्यारे जो हैं वो एक हमारे लाहौर का जो कल्चर है वो यहाँ पे हमें प्रेजेंट कर रहे हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि वो यहाँ पे मतलब क्या फील कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, ये जो कल्चर आपने यहाँ पेश किया है पाकिस्तान का, वो मतलब इसमें क्या हमें कुछ बताएंगे कि क्या आपने पाकिस्तान? ये हमारे वर्ल्ड के सबसे बड़े खूबसूरत खानदान है, माशाल्लाह बड़े खानदान है, कदीम तरीन कल्चर है। मेन मकसद हमारा लोगों को तफरी देना है कल्चर के हवाले से। नई नस्ल को पता चलता है कि हमारा ये कल्चर होता था, पुराने लोग देख के खुश होते हैं। हमने कल्चर कैम्प किया हुआ, बैन अल-अक़वामी मेहमान आते हैं, वो भी पान वगैरह खाते हैं, मीठे खुशबूदार पान है। हमारा पान वो है कि जिसमें मंशियात वगैरह नहीं होती, बूढ़ा जवान बच्चे बैन अल-अक़वामी लोग सब मेहमान खाते हैं हमारा पान। अभी बस देखे इन्होंने कितना प्यारा कल्चर जो है वो यहाँ पे हमें प्रेजेंट करके दिखाया हुआ है और ये बता रहे हैं आप लोग भी रेस कोर्स पार्क आए और इनसे पान लें। तो सर मैंने आपसे सॉरी आपका नाम नहीं पूछा। ये हमारा नाम है राणा भाई शाही पानदान वाले, वर्ल्ड के सबसे बड़े खूबसूरत पानदान राणा भाई शाही पानदान वाले और रेस पार्क लाहौर से मैं सब देखने वालों को सलाम पेश करता हूँ। माशाल्लाह व्यूअर्स देखें, और ये हमारा जो कदीम है आप दिखाएं इनको कि ये किस तरह यहाँ पे जो है एक तो वो अपने पाकिस्तान को अपने लाहौर को भी प्रेजेंट कर रहे हैं और किस तरह लोगों के लिए एक मिसाल बने हुए हैं। तो बहुत शुक्रिया सर आपका। खैर करे जी, आपकी खैर करे, आपकी खैर हो, मेरे मुल्क में बसने वालों की खैर हो, मेरे मुल्क की खैर हो। आप ऐसे कोई मैसेज दें हमारे? बस मैं यही नौजवान नस्ल से गुजारिश करूँगा कि ज़िंदगी खुशी खुशी गुजारें, मंशियात से बचें, हर किस्म के मंशियात से बचें और वर्जिश करें, तालीम हासिल करें। मैं यही कह सकता हूँ और इससे ज़्यादा क्या कहें। थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स यहाँ पे एक शॉप है, वैसे तो यहाँ पे काफ़ी शॉप्स हैं, तो हम इनसे पूछते हैं कि ये लोग कहाँ से आए हैं और यहाँ पे क्या प्रेजेंट कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, आप सुना कैसे? अल्लाह का शुक्र। भाई आप लोग कहाँ से हो? जी तो यहाँ पे आप किस तरह ये शॉप की मतलब क्या सोच के अपना वो जो कल्चर है आप यहाँ पे लेकर आए हो? हम इसीलिए ले आए कि चीज़ बहुत हमारे पास अच्छी है और सस्ती देना चाहिए। तो आप क्या कहना चाहोगे लोगों को कि लोग आएँ आपके पास और आके यहाँ पे शॉपिंग करें, कुछ मैसेज देना चाहोगे? जी चाहोगे बोले क्या? हमारे चैनल 94 न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आने वाली हर नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचे। 94 न्यूज़, हम बनेंगे।